आमिर खान हर बार लीक से हटकर टॉपिक्स पर फिल्में लेकर आते हैं। आज उनके बर्थडे पर हमने आपको उनकी 5 चुनिंदा फिल्मों के बारे में बता रहे हैं जिससे वो पर्दे पर छा गए। आमिर खान ने साल 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक से अपने बॉलीवुड सफर का आगाज किया था, जिसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका फिल्मी करियर लगभग 35 सालों का हो चुका है। इतने लंबे अरसे में उन्होंने हिंदी सिनेमा को कई हिट और शानदार फिल्मों की सौगात दी है। आज यानी 14 मार्च को आमिर खान 58 साल के हो चुके हैं। उनके बर्थडे पर हम आपको उनकी कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके जरिए उन्होंने दर्शकों के ऊपर अपनी उम्दा अदाकारी की गहरी छाप छोड़ी। जब जब आमिर खान के करियर की शानदार फिल्मों की बात होती है तो उसमें लगान का नाम जरूर आता है। साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे भारतीय अंग्रेजों को लगान देते हैं। हालांकि फिर लगान ना देने के एवज में अंग्रेजों और भारतीयों के बीच एक क्रिकेट मैच होता है। ये फिल्म साल 2002 में ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी। साल 2007 की फिल्म तारे जमीन पर भी लीक से हटकर एक टॉपिक पर बनाई गई थी। इस फिल्म में एक ऐसे स्कूल स्टूडेंट की कहानी दिखाई गई थी जो पढ़ाई में कमज़ोर होता है, हालांकि किसी दूसरी चीज़ में उसकी रुचि होती है। आमिर ने फिल्म में टीचर का रोल निभाया था। साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म 3 इडियट्स न सिर्फ लोगों को खूब पसंद आई थी बल्कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई भी की थी। फिल्म एजुकेशन सिस्टम पर आधारित थी जिसमें दिखाया गया था कि कैसे कॉलेज स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट से हटकर पेरेंट्स के दबाव को फॉलो कर रहे हैं। इस लिस्ट में आमिर खान की फिल्म पीके भी है जो साल 2014 में आई थी। ये फिल्म समाज में धर्म को लेकर फैले अंधविश्वास पर बेस्ड थी। फिल्म को काफी पसंद किया था, साथ ही इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन भी किया था। भारतीय महिला रेसलर बहने गीता और बबीता फोगाट के ऊपर बनी फिल्म दंगल को भी लोगों ने खूब पसंद किया था। इस फिल्म ने दुनिया भर से 2000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी। फिल्म में आमिर गीता बबीता के पिता के रोल में थे।